हेलो फ्रेंड्स, सर्वज्ञ एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज 11 जून 2022 की करंट अफेयर की क्लास हम देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है KIYG 2021 खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की पहली स्वर्ण पदक विजेता कौन बन गई हैं। ऑप्शन नंबर 1 अश्विनी भाटिया, ऑप्शन नंबर 2 काजोल सरगर, ऑप्शन नंबर 3 भावना कंठ, ऑप्शन नंबर 4 स्मृति मंधाना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 काजोल सरगर। इनकी उम्र 16 साल है और इन्होंने अगस्त 2021 में पटियाला में यूथ नेशनल में कांस्य पदक जीता। नेक्स्ट, भारत का अब तक का सबसे बड़ा ईवी फ्लीट ऑर्डर किसे मिला। ऑप्शन नंबर 1 विप्रो, ऑप्शन नंबर 2 इन्फोसिस, ऑप्शन नंबर 3 टाटा मोटर्स, ऑप्शन नंबर 4 LNT। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 टाटा मोटर्स। यह ईवी मालिकों को व्यापक चार्जिंग समाधान प्रदान करते हुए पुणे, मुंबई और बेंगलुरु में अपनी परियोजनाओं में चार्जिंग स्टेशन स्थापित करेगा। नेक्स्ट, पहली FIH हॉकी चैंपियनशिप के फाइनल में भारत ने किसे हराया। ऑप्शन नंबर 1 पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर 2 जर्मनी, ऑप्शन नंबर 3 फ्रांस, ऑप्शन नंबर 4 पोलैंड। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 पोलैंड। पोलैंड को 6-4 से हराया। स्विट्जरलैंड के लुसाने में FIH हॉकी 5S चैंपियनशिप जीतने के लिए फाइनल में पोलैंड को 6-4 से हराया। नेक्स्ट, हाल ही में अमन सहरावत ने 2022 बोलाट तुर्कखानोव कप में कौन सा पदक जीता। ऑप्शन नंबर 1 स्वर्ण पदक, ऑप्शन नंबर 2 रजत पदक, ऑप्शन नंबर 3 कांस्य पदक, ऑप्शन नंबर 4 सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 स्वर्ण पदक। अमन सहरावत ने 2022 बोलाट तुल्लिखानोव कप में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमित शाह कहाँ राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन करेंगे। ऑप्शन नंबर 1 उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर 2 उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर 3 हरियाणा, ऑप्शन नंबर 4 दिल्ली। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 दिल्ली। इसका उद्घाटन 7 जून 2022 को हुआ। यह जनजातीय अनुसंधान संस्थानों की परियोजनाओं की निगरानी करेगा और अनुसंधान और प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार के लिए मानदंड स्थापित करेगा। नेक्स्ट, फ्रेंच ओपन 2022 पुरुष सिंगल्स खिताब किसने जीता। ऑप्शन नंबर 1 राफेल नडाल, ऑप्शन नंबर 2 एंडी मरे, ऑप्शन नंबर 3 नोवाक जोकोविक, ऑप्शन नंबर फोर रोजर फेडरर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 राफेल नडाल। यह इनका 22वां ग्रैंड स्लैम खिताब है। इनकी उम्र 36 वर्ष है और यह सबसे उम्रदराज चैंपियन बन गए हैं। नेक्स्ट, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 5 जून, ऑप्शन नंबर 2 6 जून, ऑप्शन नंबर 3 7 जून, ऑप्शन नंबर 4 8 जून। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 5 जून। 2022 की थीम है ओनली वन अर्थ और इस कार्यक्रम की मेजबानी स्वीडन द्वारा की जा रही है। नेक्स्ट, एक्स संप्रीति एक्स संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ। ऑप्शन नंबर 1 नेपाल, ऑप्शन नंबर 2 श्रीलंका, ऑप्शन नंबर 3 बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर 4 म्यांमार। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 बांग्लादेश। यह अभ्यास 5 जून से 16 जून 2022 तक बांग्लादेश के यशोर सैन्य स्टेशन में आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट, मनसुख मंडाविया ने कहाँ SSSAI की खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन किया।
ऑप्शन नंबर 1 उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर 2 बिहार, ऑप्शन नंबर 3 पंजाब, ऑप्शन नंबर 4 मेघालय। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 बिहार। FSSAI खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन बिहार में किया जा रहा है, जो कि मनसुख मंडाविया के द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट, किस राज्य ने जुलाई 2020 से सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया? ऑप्शन नंबर 1 उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर 2 बिहार, ऑप्शन नंबर 3 पंजाब, ऑप्शन नंबर 4 मेघालय। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 पंजाब। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान हैं। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।